कार्यालय अधीक्षण अभियंता गोंडा वृत्त लोनवी गोंडा में इटिया थोक श्रीनगर मार्ग का चौड़ीकरण, बलरामपुर में महेश भारी भैसावा मार्ग सरयू स्टेशन चचरी माजा भोरीगंज परसपुर मार्ग बालपुर परसपुर बस का मार्ग शुक्लगंज गंगरौली आदमपुर ताराडी मार्ग का चौड़ीकरण की निविदाएं कम समय के लिए प्रकाशित हुई। प्रकरण उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ गया, जहां पर उच्च न्यायालय ने उक्त निविदा प्रकाशन पर रोक लगाते हुए नया टेंडर करने की इजाजत दे दी। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। आदेश की भनक लगते ही लोनेवी में हड़कंप मच गया। याची शुभम सिंह ने उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी कि मात्र 8 दिन के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गई और 3 दिन त्योहार की छुट्टी रही। इसके अलावा कुछ लोगों ने ही निविदा मिलने की बात कही। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा ने बताया, अधीक्षण अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है कि अदालत के आदेश का पालन कराया जाए। मैं हरिहर शुक्ला ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर गोंडा, अधीक्षण अभियंता महोदय के पास आए हैं। प्रकरण गोंडा से जुड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ के कुछ विज्ञापन प्रकाशित थे, उसमें कम समय दिया गया था और उसमें उस समय को देखते हुए उनके सभी विज्ञापन को रोक दिया है, निरस्त कर दिया है और ये निर्देश दिया कि नियम और कानून के तहत दोबारा विज्ञापन कार्य कराया जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है और क्या दिक्कतें हैं, हम अधिकारी महोदय से बात करेंगे। नमस्कार। ऐसा है, एक्चुअली जो फाइनेंशियल का लास्ट टाइम चल रहा है, तो जैसे जैसे उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जिन कार्यों की ईएफसी हो जाए उनकी निविदाएं लगा सकते हैं, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए अल्पकालीन निविदाएं लगाई गई थी, जिससे कि इस वित्तीय वर्ष में अगर कुछ धन आवंटन होता है तो उसका उपयोग हो जाए। उसी उद्देश्य से वो जैसी व्यवस्था है, अल्पकालीन निविदा लगाने की व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत लगाई गई थी और निविदा में कम समय नहीं दिया गया था। एक्चुअली समय कम से कम 15 दिन जो हमने जो नोटिस साइन करते हैं उसको 15 दिन हो गए थे। 21 में 22 तारीख में हमने टेंडर नोटिस जारी किए थे और उसे 10 तारीख तक हमने जो है निविदाएं मांगी थी, तो लगभग सभी में 15 दिन पूरे हो रहे थे। अब वो कम समय वाली बात है, इसमें अल्पकालीन निविदा में जितना समय दिया जाता है उतना दिया गया है। अब इससे क्या कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई क्या करेंगे जो आपके प्रकाशन दोबारा प्रकाशित कराएंगे? माननीय न्यायालय के इसमें कुछ आदेश हुए हैं जी, वो आदेश जैसे ही आ जाते हैं तो जो भी उसमें कंप्लायंस करनी होगी उसी हिसाब से कंप्लायंस किया जाएगा। तब तक सभी आपके टेंडर निरस्त कर दिए जाएंगे? अभी देखो, जो भी निर्णय उसमें जो निर्देश दिए होंगे माननीय न्यायालय के उसी हिसाब से। जैसे अभी जो एडवर्टीज है उसको उन्हें रोक दिया, वो तो एक्चुअली निविदा तो आ चुकी है, एडवर्टीजमेंट तो काम खत्म हो गया जी, वो तो निविदा प्राप्त हो गई है सभी में। अब आगे उसमें जो माननीय न्यायालय के निर्णय में जो भी होगा उसको स्टडी करके उसके हिसाब से जो जैसे एडवर्टाइजमेंट जब आपको निरस्त कर दिया गया तो फिर वो प्रोसेस ही निल हो गया। हाँ, तो जो भी होगा वही करा जाएगा। थैंक यू सर। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए ब्यूरो चीफ हरि नारायण शुक्ला की रिपोर्ट।